महासती सीता चरित्र आधारित पुस्तक तमाच, लेखन वर्धमान तपोनिधि आचार्य देव श्रीमद विजय भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराजा। एक बार भारे वरसाद अने पाणीना पूरमां तापसोनो आश्रम तणाय जाय एवं हतुं। ए वखते महासती दमयंतीए गुफामांथी बहार आवी संकल्प कर्यो, मारा शील अने समयकत्वना प्रभावे तापसोने वरसाद ने पूरथी रक्षण मळो। एम करी आश्रमनी चारे बाजू जमीन पर लाकड़ी फेरवीने बाउंड्री एटले के सीमा बांधी। बस महासतीना शील अने समयकत्वना प्रभावे आश्रम पर जाने मोटूं छापरूं न बनी गयूं होय तेम आश्रम पर वरसाद पड़तो बंद थई गयो। अने पाणीना पूर आव्या ते आश्रमनी बाजुए थईने चाल्या गया। तापसो आ जोई आभा बनी गया। हैं? अमे आटलू तप तपीए अने घरवास छोड़ीने रहीए छता एनो प्रभाव नहीं, ने आ एक गृहस्थ बाई माणसनो आ प्रभाव? पूछे छे महासती ने, हैं? तमे आ शो जादू कर्यो? पूर अने वरसाद आश्रम ने अड्या ज नहीं? दमयंती कहे छे, आ बधो जैन धर्मनो प्रभाव छे। तमे तप तपो छो ए उत्तम छे, परंतु एना मूल पायामां जैन धर्मनी श्रद्धा होय तो ए प्रभाववंतो बनी जाय। त्यां तापसो जैन धर्मनो स्वरूप पूछे छे अने महासती एनी ओळख आपे छे, तेथी तापसो जैन धर्मथी प्रभावित थई जाय छे। दमयंतीनी आ श्रद्धा केवी के मारा शील अने सम्यकत्वनो आश्रम पर पाणीना उपद्रवने अटकाववानो प्रभाव पड़वो ज जोईए। आना पर मनने पूछो के आपणे घणी बधी साधना करीए छीए, जेवी के रोज ने रोज वितराग दर्शननी, प्रभु पूजानी, नवकार जापनी, कोई ने कोई नियमोनी, तिथिए तपनी अने गुरु मान्यतानी, आ बधी आराधनामां कई एवी आराधना छे के जेना पर श्रद्धा राखी संकल्प करी शकीए के आ साधनाना प्रभावे अमुक वस्तु अवश्य बनो? कहो, हिम्मत नथी? केम के एवी श्रद्धा ज क्या छे? रोज देव दर्शन तो कर्या, परंतु एवं क्या दिवसनु दर्शन याद आवे छे के जेमा कदाच कोई देवता एना बदलामां लाख रुपया आपवा मांगे ने, तो ए दर्शन ने न वेचवानो निर्धार कर्यो होय, अथवा दर्शन में दिल प्रभु में तरबोल थई गयू होय? तरबोल ते एवं के दिल ने अहो अहो एम थई अने गड़गड़ू थई गयू होय, अहो अहो प्रभु तू मने मळ्यो, मारा पर केतली बधी कृपा, मारा नाथ तू ज मारो आधार छे, तू ज मारू जीवन छो, तारी आगळ जगतभरनी संपत्तिओ अने सत्ता सन्मान तुच्छ छे। आम दर्शनमां दिल गदगद थई गयू होय एवा दर्शन केटला? जो नथी तो शी रीते ए दर्शन पर विश्वास राखी शकाय के आ दर्शनना प्रभावे अमुक वस्तु चौक्कस बनो? सवाल आ छे के साधना करो એમાં એની આગળ સ્વર્ગ સંપત્તિને તુચ્છ ગણો, તેમજ સાધનામાં એવા એકતાન થાઓ કે ત્યાં જગતનું બધું ભૂલાઈ જાય? કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણોના સરવાળા, યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુના અજવાળા।